आज हम करने जा रहे हैं लॉन्ग लॉस्ट रेसिपी जिसका नाम है मखंडी हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी। मैंने ले लिया है 1 कप सूजी, जो मैंने बोल लिया है उसी बोल से आप नापेंगे, मेजरमेंट करेंगे इसका। अब हम लेंगे इसमें 2 कप दूध। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 पिंचेस इलायची पाउडर के। अब इसे अच्छे से मिक्स करिए। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है इस हलवे को बनाने के लिए। ये यूजली पुराने ज़माने में बनता था, शादियों पे या कोई सेलिब्रेशन हो, कोई फेस्टिवल हो। चलिए अब इसको हम थोड़ी देर आराम करने देते हैं। 15 से 20 मिनट तक सूजी को हम दूध में भिगोएंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी देसी घी। मैंने वही बोल लिया है, आप मेजरमेंट के लिए वही बोल लीजिए, सब चीजों के लिए एक ही बोल रखिएगा। अब घी मेल्ट हो गया है, इसको स्लो पे रखिए। इसमें ऐड करूंगी मैं 1 कप चीनी। अब थोड़ी सी पेशेंस रखिए, 10 मिनट लगेंगे। इसको हम कैरमलाइज करते हैं। कैरमलाइज मतलब हल्का सा ब्राउन। हाई फ्लेम पे अगर चीनी को आपने कैरमलाइज किया तो वो कड़वा बन जाएगा, कड़वी हो जाएगी चीनी और हलवा बनेगा कड़वा हलवा। तो बहुत ही ध्यान से देखिए कि आपको चीनी जो कैरमलाइज करनी है वो लो फ्लेम पे करनी है। ये देखिए चीनी हल्की हल्की पिघलने लग गई, अभी कैरमलाइज होना शुरू होगी। हमें 5 मिनट हो गए हैं, बस आपको चीनी को छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ोगे तो वो नीचे चिपक जाएगी, लग जाएगी। चीनी पूरी तरह मेल्ट हो गई और हल्की गोल्डन ब्राउन हुई है। इसको हमें थोड़ा सा ब्राउन टोन में लेके जाना है। कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। देखो कितना सुंदर कलर आ रहा है ना चीनी का। ये देखिए चीनी हमारी ब्राउन हो चुकी है, फ्लेम ऑफ कर दीजिए, ये अपनी ही हीट में पकेगी। 15 मिनट के बाद एक बार हम इसको सूजी को स्टर कर लेंगे दूध के साथ। देखिए बढ़िया दूध और इलायची का फ्लेवर तो वैसे ही बहुत डिवाइन होता है। धीरे धीरे करके इसमें हम ऐड करेंगे, बहुत ध्यान से करिएगा। आपने रूम टेम्परेचर वाली सूजी और दूध डाली है तो चीनी जम जाएगी, टेंशन मत लीजिए। सिम पे पकाते रहेंगे और वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी। देखिए कितना अमेजिंग कलर आ रहा है। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स रेडी हों और प्रेप टाइम 15 टू 20 मिनट्स हैं तो आपकी डिश हमेशा बढ़िया बनेगी। अब हमें इसे 10 से 12 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाना है। देखिए चीनी मेल्ट हो गई ना, मैंने आपको कहा था स्लोली एंड स्टेडिली मेल्ट होती रहेगी। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया हमारे हलवे का। हलवा खुद ही कढ़ाई को छोड़ रहा है, सिम पे पक रहा है आराम से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सूखा नारियल, थोड़ा सा काजू, किशमिश, थोड़ा सा बादाम चॉप किया हुआ, पिस्ता। ये सब ऑप्शनल है, आपको ड्राई फ्रूट ऐड करना आप कीजिए, नहीं करना तब भी। देखिए जब हलवा अपने आप ही कढ़ाई को छोड़ना शुरू हो जाए और कढ़ाई पे कुछ ना रह जाए, इसका मतलब आपका हलवा परफेक्ट बना है। देखिए अपने आप झूम रहा है ना, डांस कर रहा है हलवा, इसका ये मतलब है कि हलवा रेडी है। देखिए घी आ गया है साइड्स पे, हमारा हलवा अच्छे से भुन चुका है। चलिए अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। मैंने थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया, थोड़े से आलमंड्स, बादाम और थोड़े से काजू। देखिए कितना अमेजिंग टेक्सचर आया हमारे हलवे का, बढ़िया एकदम। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और फिर जाके हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग आवर रेसिपीज, क्योंकि हमारी रेसिपीज में मिलेंगी आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी डिश बनेगी बहुत ही टेस्टी एंड परफेक्ट। वेरी गुड, वाजीवा गुलाब की पत्ती, हमारा बहुत ही लज्जेदार एकदम डिलीशियस मखंडी हलवा बनके
तैयार है। अगर आपको डिश अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी हमारी डिश। और कोई भी क्वेरी हो डीएम कीजिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल priyanka_bhatia पे। ट्रू ट्राई दिस डिश, बहुत ही टेस्टी है। एंजॉय।